वाओ इतना टेस्टी। सर्दी आई और गाजर का जूस नहीं पिया, क्या फायदा ऐसी सर्दियों का। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी सभी को, कैसे हो आप सब? उम्मीद है जी सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज फिर एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, बने रहना जी लास्ट तक ब्लॉग को देखना, और आगे देखने से पहले लाइक कर दो। जो भी चैनल पर नए हैं जी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गाजर का जूस। तो गाजर का जूस सर्दियों में बहुत चलेगा, और गाजर देखो घर पर ही आ जाती है, सस्ती भी हो जाएंगी ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है गाजर का फूल लाभ उठाना, जूस बनाना और पीना, और जितना हो सका भाई साबते भी गाजर खाया करो। देखो बच्चों के लिए ना बहुत ही फायदेमंद है, और मेरी अजमाई हुई बात है ये तो उनके लिए चश्मा ही सेज में देखो पढ़ाई का इतना दबाव हो रहा है बच्चे पे कि भाई बहुत ज़्यादा। तो चश्मा नॉर्मल सी बात है, मैं देखती हूँ हर छोटे और बड़े से बड़े बच्चे का चश्मा है। अजमा के देखना गाजर का जूस, अगर आप लगातार एक महीना दो महीना अगर अपने बच्चे को पिलाते हो तो गारंटी है जी इस चीज़ की कि चश्मा उतर जाएगा आपके बच्चे का। तो मैं कैसे बना रही हूँ गाजर का जूस, अब सर्दियों में देखो मैं रेगुलर बनाऊँगी, गाजर चालू हो गई हैं। तो मैं सुबह अब बच्चों के लिए चाय दूध सब कैंसिल, डेली गाजर का जूस एक गिलास पी के मेरे बच्चे जाते हैं, या अब तक सेब खा कर जाते थे। तो जी अब देखना आगे बने रही हो और पूरा देखियो भाई ब्लॉग ने। ये यहाँ पर मैंने ली है जी 4-5 गाजर छोटी छोटी, एक हरी मिर्च, पुदीना, और ये पालक और धनिया, और ये ना सब धो लेना है आपने। तो इसको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि ये गाजर है ना तो इनमें कितना भी वॉश कर लो फिर भी मिट्टी रह जाती है। और फिर इनको वॉश करने के बाद इनको हल्का सा ये छिलका उतार लेते हैं इनका। फिर देखना मैं कैसे ही घर पर ही बनाती हूँ मिक्सी में ही। कई बार ऐसा होती है बच्चे स्कूल जाते हैं भाई उस टाइम तक जूस वाले की दुकान भी नहीं खुलती है, कोई कोई लेट खोलते हैं ना। अब आगे आगे सर्दी में ऐसे ही धुंध है उसे, अभी इतनी ठंड भी नहीं है पी सकते हैं। अभी जी मेरी गाजर छिल गई हैं, और ये मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, जार को धो के वॉश करके, और फिर इसमें छोटे छोटे टुकड़े गाजर के ऐसे पीस कर लेते हैं, आधा इंच के एक इंच के, जितने छोटे बारीक करेंगे ना अच्छे से पीस जाएंगे। और ये सब के लिए ही फायदेमंद है, बच्चों के लिए भी, और जी देखो आँखों की रोशनी कम है बच्चों की, उसके लिए तो है ही है, प्रेग्नेंट है जो भी बहन, उनके बेबी के लिए, उनके खुद के लिए खून की कमी नहीं होने देता, बच्चा एकदम हेल्दी तंदुरुस्त होता है। और इससे एक फ़ायदा ये भी है जी, जो फेस पर जाई वगैरह होती है ना, देखो कैल्शियम की कमी होती है ना, खून की कमी होती है तो फेस पर जाई पड़ जाए। तो गाजर का जूस पियो एक महीना दो महीना और एकदम चेहरा गाल लाल हो जाएंगे। अब मैं इनको भी धनिया पुदीने को भी इसी में एक साथ काट लूँगी, छोटी छोटी पत्ती लेना आप, बाद में डालना चाहो, बाद में भी डलती हैं, लेकिन वो बाद में ना फिर मुंह में आती हैं तो टेस्ट नहीं बन पाता, अलग अलग रहती हैं वे, इसमें आपको पता नहीं चलेगा सारे टेस्ट एक साथ आएंगे। और इसमें एक चीज़ और बहन, चकुंदर, चकुंदर हो आपके पास तो आपके लिए और भी बेस्ट है, क्योंकि सलाद में बताते हैं ना चकुंदर को खाना, तो चकुंदर डाल लेना इसमें, मेरे पास तो है नहीं अभी, नहीं तो मैं वो अभी आपको डाल के इसमें दिखा देती। ये डाल दिया है देखना इसमें, और अब मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये अच्छे से फिर पिसेगा नहीं, इसलिए इसमें आधा कप पानी डाल दिया है। और
ये हो गया है जी पिसके रेडी। इसमें अगर शुगर डालना चाहते हो तो इसमें आप एक चम्मच डाल सकते हो चीनी, है ना, टेस्ट के लिए, लेकिन मेरे को नहीं डालनी है तो मैं नहीं डालूंगी। इसके लिए अब जूस बन के है जी रेडी। बोल रहा है मुझे कोई पी लो, आ जाओ जिसको भी पीना है। देखो टाइम कम और इतने टाइम कम में जूस तैयार है ना, हम कहीं भी पीने जाते हैं टाइम वेस्ट होता है, तो जी घर पे ही बनाइए, टाइम की भी बचत है, मनी की भी बचत है। जी चार गाजर थी छोटी छोटी, चार पांच, देखो जूस बन के तैयार है ना। सबको कैसी लगी बताना कमेंट करके, अभी ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, सबके पास कर दो। और जो चैनल पर नए हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। आज के लिए था इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पी के देख रही हूँ मैं, बहुत टेस्टी, आप भी बनाना ऐसे ही पीना। बाय।